दुनिया भर में रिलीज के एक साल बाद भी अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा द राइस का जलवा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिल्म न केवल इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी पकड़ बनाए हुए है। सुकुमार द्वारा डायरेक्टेड ब्लॉकबस्टर जो पिछले महीने रूस में रिलीज हुई थी, फिल्म ने 10 मिलियन रूबल या लगभग 12 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। मेकर्स के मुताबिक अल्लू अर्जुन स्टारर को 8 दिसंबर को रूसी भाषा में रिलीज किया गया था और मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में शो के बाद फिल्म 774 स्क्रीनों पर सक्सेसफुली चल रही है और अभी तक स्क्रीन के नंबर्स में भी कोई गिरावट नहीं आई है। पुष्पा द राइस जो अपनी रिलीज के तीसरे हफ्ते में है, रूस की अब तक की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली भारतीय फिल्म बनने की राह पर है। यूनिट सोर्सेज के मुताबिक फिल्म के रूसी सैटेलाइट राइट्स को जल्द ही और 2 करोड़ रुपए में बेचा जाएगा। रूसी भाषा में डब की गई इंडियन फिल्म के लिए अब तक सबसे ऊंचा कलेक्शन ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ स्टारर वॉर कर रहा है, जिसने लगभग 15 करोड़ रूबल या लगभग 17 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अब पुष्पा द राइस को जिस प्रकार की प्रतिक्रिया मिल रही है उसको देखकर तो लगता है वो जल्द ही वॉर को पीछे छोड़ देगी और अब तक की सबसे सफल रूसी डब की जाने वाली इंडियन फिल्म बन जाएगी। For more such updates.